स्क्रीन पर धान की खराब हुई फसल के साथ नजर आ रहे इस बुजुर्ग शख्स ने 4 एकड़ में फसल लगाई थी। फसल को अन्य बीमारियों से बचाने के लिए इन्होंने एक दुकान से कीटनाशक दवा खरीदी और फिर उसे फसल पर छिड़क दिया। देखते ही देखते खेत में लहलहा रही धान की फसल मुरझा गई। मामला पुंडरी का है और पीड़ित किसान का नाम सुरेश कुमार है। सुरेश अब खराब हुई धान की फसल के साथ अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और मुआवजे के साथ साथ उक्त दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? सुरेश है जी। कहाँ से हो? पुंडरी है। क्या समस्या ये फसल को लेकर? ये फसल इस पर दवाई ली थी, स्प्रे कराई, उसके बाद इसने की गया मैं सारी फूक दिया तो कहने लगे इनका दुनिया इनका कोई किसी ने पैसे देने हैं तो उसके बाद कोई स्प्रे करके मर जा हम किस किस के डंड देंगे जना ये जवाब दे मैं कुछ हाल तो कर दे इनका कुछ नहीं जवाब दिया। बाबा कहाँ से दवाई ली थी, कितनी एकड़ की ली थी? 4 किले की ली थी जी। राहुल पता है पुंडरी था जी, हरचंद का लड़का हो। आपके पास जमीन कितनी है? ठेके पे जी मेरे को, ठेके पे 70,000 का किला ले रखे। उसके बाद डॉक्टर ले आया जी, वो डॉक्टर ले आके वो दवाई ले गया तो उसने खुद आप भैया भेजा स्प्रे करा गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद उसका बाप आया फिर वो करा गया जी। तो ठेके पे जमीन लेके गुजारा करो परिवार का? और मर पे करो कुछ नहीं है। कोई बातचीत हुई हो कोई आपसे उनसे क्या बोलते? मरते उन्होंने कहने लगे पूरा नहीं कुछ भी जड़ा मर्जी फिर मैं तो मेरा कोई हाल नहीं होया। सुनवाई नहीं हुई आपकी? किसी की सुनाई नहीं हुई। एक एप्लीकेशन दे रखी मैंने सीएम से भी दे रखी डीसी का भी दे रखी। परिवार का गुजारा खेती से जो है जी और कुछ नहीं। तो अब क्या होगा? उस फसल जल गया बर्बाद हो गया मेरे पल्ला के रह गए 2 लाख का मैंने ठेका देना लाल। परिवार में कौन कौन? मेरे पास हूँ तो 5 लड़के हैं एक लड़की है। तो ठेका देना था भी पैसे है नहीं। हाँ ये भी कह मैंने तो मैंने बिल दे दे पक्का बोले पैसे दे दे मगर पास में मेरे के लिए एक और था वो कहने लगा भी मैं दूंगा पैसे इन्हें बिल दे जब भी नहीं दिया उन्हें बिल भी दिया बिना बिल के दे। अब दार में तो दे सारे दिया दार में चलो दवाई तो पैसे लगाए हैं जी। कितने पैसे लगाए? उस टाइम तो 12,000 की दे थी 4 किले की। अरे मार्केट में कह रहा कि 50,000 की दवाई ले जा रहा है 50 मेरे पे होगा नहीं बिल होने देगा। तो शिकायत सीएम विंडो में लगाई अधिकारियों से मिले अधिकारी क्या बोले? वे आप गए थे जी वो कहने लगे ये सब वो दवाई ठाई ना उन्होंने जा वो कहने लगे मैंने कहा ये दवाई क्यों कराई मगर जी खुद ही करा गया लो उन्होंने से दवाई दे दी भैया बात हो रही मेरा नुकसान है। कितने लाख का नुकसान जी? 2,80,000 रुपये तो मेरे ठेक का है। ये मेरे भाई ला ले मेहनत ला ले दुख खार पाने ला ले मैं कर जाऊं दुखों का पहाड़ तो हां जी दुख हो गया ज्यादा दुख मेरे पर देखा भी जानदा जी खेत में तो क्या मांग करते हो सरकार से? मेरा खर्चा दो आधा और ना के मांगू थे। वहीं इस घटना को लेकर कैथल के डीडीए बाबू राम का कहना है कि जांच में आरोप सही पाए गए हैं किसान को नुकसान हुआ है आरोपी दवा दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर एक किसान की जो है फसल गलत दवाई डालने से खराब हुई है क्या मामला है कहाँ का मामला? देखिए किसान का नाम है सुरेश पुंडरी से है उन्होंने एक कंप्लेंट यहाँ दी थी और उसमें उसकी एवज में मैंने उनको कमेटी बना दी थी। उसमें हमारे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और एपीपीओ की कमेटी बनाई गई थी उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी है और वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो भी नुकसान है वो भेज दी गई। क्या कुछ सर आया रिपोर्ट में किस वजह से? ये उस रिपोर्ट में ही क्लियर है वो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करवा दें। नुकसान हुआ सर? हाँ नुकसान हुआ। तो आगामी क्या कुछ कार्रवाई रहेगी सर? आगामी वो किसान को रिपोर्ट दे दी जाएगी और जो भी कार्रवाई उसके अगर दुकानदार के खिलाफ पड़ेगी वो तुरंत कर दी जाएगी। कितने एकड़ जमीन थी जिसमें फसल थी और किस चीज की फसल थी? करीब 4 एकड़ है उसमें और उसकी कमेटी द्वारा इंस्पेक्शन की गई है और वो रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। धान की फसल? धान की। दरअसल पीड़ित किसान सुरेश कुमार ने ठेके पर जमीन लेकर धान की फसल की थी ऐसे में जो नुकसान हुआ है वो बिल्कुल असहनीय है। उम्मीद है प्रशासन इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करेगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर पंजाब की स्ट्रीट टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।